तो आज हमने बात करनी है इंटरनेट मैरिजेस पे, जिसके लिए तनवीर बहुत इंटरेस्टेड हैं कि इंटरनेट मैरिजेस पे बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लड़के टैलेंटेड हैं। सोचें कि वो कितने टैलेंटेड होंगे कि अमेरिका की लड़की यहाँ पे आ गई है मोहब्बत में पागल। सोचो पाकिस्तान की लड़की हो, सोचो। बात वो कह रहे हैं जिसकी मोहब्बत में आज तक एक लड़का भी पागल नहीं हुआ, लड़कियाँ तो छोड़ ही दो। ये वो बंदा है जो 4 साल यूनिवर्सिटी रहा, किसी लड़की ने इसको भाई नहीं बनाया। इसके ये हालात हैं, ये जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इसके डिपार्टमेंट के बाहर झाड़ियां थी, एक दिन एक बेचारी लड़की का दुपट्टा उड़ के झाड़ियों पे चला गया, ये आधा घंटा उस दुपट्टे से बातें करके आ गया। क्योंकि इसका पता है लड़कियों का ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, लड़कियों का प्रॉब्लम ये है कि आप मतलब आधा घंटा सब्जी वाले से बात कर लेनी है कि 4 रुपये सस्ता टमाटर दे दे, मेरे जैसा कोई लड़का हाई कर दे ना तो फौरन से स्क्रीनशॉट। ये क्या बेहूद किया, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? और ये फौरन कह देते माँ बहन तो है, तुम्हारी कमी है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम सब्जी वालों से इसलिए बात करते हैं कि वो 4 रुपये सब्जी कम तो कर सकता है। अच्छा। इस पे तो यकीन है कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं मतलब सारे मोहल्ले से लड़की फंसी हुई है, सारे मोहल्ले के साथ सेट है, लेकिन नहीं क्यों तो बाहर से आएंगी ना। लगता है कि लड़के इसलिए सारे मोहल्ले के साथ सेट हैं क्योंकि ये लड़के करते ही हैं कि अगर लड़की कोई पास से भी गुजरी है ना तो जाके कहेंगे ब्रो सीन सेट है भाई का, वो मुंह भी नहीं लगाती और जाते हुए आंख थू करके जाती है। जब आप लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तानी लड़के टैलेंटेड है तो फिर उसने सही किया ना यार। हम में से किसी को नहीं लगता कि उसने गलत किया है, पर तुम शादी की तस्वीरें देखो, उसमें उस लड़के की शक्ल से पता लग रहा है कि बंदी ने आते ही बोला मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तो US वापस जा ही नहीं रही। देखो वो कद्दू जैसी शक्ल बनी हुई है उसकी। सारे लड़के मतलब कहते हैं कि यार दही कौन लाएगा, जिस सबसे पहले ये लड़का अच्छी दही ला सकता है। उसने एक लड़की पटाई, ग्रीन कार्ड होल्डर, एक अमेरिकन नेशनल लड़की पटाई, वो छोड़ के आ गई। अब आगे बील करो कि उसमें उसने ऐसी क्या बातें क्या कि उस बेचारे ने ऐसी शक्ल बनाई। वो ही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था जब तुम्हें मोबाइल नहीं मिला यार था। उसने उसमें एक्चुअली उस लड़के का टैलेंट है ना, इसको तो आप कहें ना कि यार वो टैलेंटेड है लड़का, उसने बड़ी अच्छा किया ना, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मतलब उसको कोई लड़की मुंह नहीं लगाती। अच्छा मुझे ये बताओ तुमने उससे इंस्पायर होकर कितनी औरतों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या इंस्टाग्राम पे फॉलो किया? अबे मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर हुआ है, मैंने तो बहुत को भेजी हुई थी पहले, लेकिन नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? हुआ ये कि लड़की सेट कर ली मैंने, ठीक है, सारी रात बात कर करके सुबह नमाज पढ़ के सोना। गर्लफ्रेंड बन, आपा जी तो ना बन। इसके साथ क्या हुआ, ये गया अपने ऑफिस में, बड़ा टैंट्रम शैंट्रम इसका कि मैं तो बड़ा कूल डूड हूं, है अंदर से ये गुज्जर है या माँ वाला, ठीक है, जिसके दूध के डब्बे साइड पे लटके होते, पंजी मज्जा होती है इनकी। और उसके बाद ये बता रहे होते आई हैव अ डेयरी फार्म, यू नो। उस डेयरी फार्म की जब हकीकत खुली ना तो इसके ऑफिस में भी इसको किसी ने मुंह नहीं लगाया, उन सब ने कहा इसको तो भाई भी नहीं बनाना, परे परे परे। एक दफा और इसके साथ कुछ हुआ। इसकी बात नहीं, 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 मेरी बातों में आए, मैं आपको बताती हूँ। इसकी बातों में ना है, मैं आपको बता, नहीं बोलो। लड़कियों का मसला ये है कि किसी अमीर की गाड़ी के नीचे आके मर जाना है, किसी गरीब का भला नहीं करना। तो भाई यकीन करो जब भला ऐसा होगा उसका भला कैसे करें। ये ना हो कि यहाँ पे डिस्प्रेशन की आप अंजली खड़ी हो, मतलब अब तो मैं तो भाई दिसंबर आया नहीं होता, दुखी दुखी शेर दुनिया जान के, टेंशन सीकिंग शुरू हो जाती है दुनिया जान के, साइकोलॉजिकल इश्यूज इन्हें होते हैं। तो सही है ना, इनके पास कख नहीं होते, जगह इनके पास रहने को नहीं होती। जगह है मेरे पास जगह है, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ मेरे पास जगह है। वो नाले के साथ वाले कराची में, नाले के साथ एक जो है ना खैमा लगा हुआ है, वहां रहता है। कराची में उसको नदी कहते हैं, ठीक है, वो नाला नहीं। और लाहौर में उसको क्या कहते हैं? लाहौर में तो वही कहते हैं भाई गंदे नाले वाले उतर जाओ। नहीं मैं आपको बता, नदी है भाई, नदी है, नदी के साथ नदी में इसने डूब के मर जाना है। इस दुख के साथ इसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सका इससे, ये इतना डेस्परेटली सिंगल इंसान है अपनी जिंदगी में। टॉपिक है भाई इंटरनेट पे लड़कों की शादी, तो वो तो तुम्हारी हो नहीं रही। मेरी क्यों, मतलब उस लड़के ने एक अच्छा काम किया है, उसको कहो भाई हाँ उसने अच्छा काम किया, बेशक लड़के का मूल बहुत अच्छा काम किया है, बराए मेहरबानी एक मेंटोरिंग सेशन शुरू करें और इस जैसे लड़कों के मसाइल हल करें। मेरे भाई ही बताएं इसको कि आपने उस बंदे से अंग्रेजी में गुफ्तगू कर कैसे ली, हो कैसे गया, पंजाबी से निकल कैसे आए बाहर।
नहीं भाई, नहीं आज तुम पूछ लो उससे भाई, हुआ क्या? मेरी बात सुन, इसकी सुन लो, जिसकी घर में कोई नहीं सुनता, दूसरी दफा रोटी नहीं देता, शनाख्ती कार्ड देख के घर में आने देते, और इसकी सुन लो, रोल मॉडल है हमारा। देखो लड़के की सेहत पे नहीं जा रहा तुम लोगों ने, ठीक है, टैलेंट है उसका, फिटनेस है भाई, फिटनेस है आजकल के दौर में, हर कमजोरी का नाम फिटनेस है। फिर मतलब आप लोगों को तो इशू ये है ना कि उसने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी क्यों नहीं की, तो भाई नहीं, कैसे नहीं, करें नहीं, भाई हमें कोई इशू नहीं है, नहीं इशू है तुम लोगों को, क्यों मैं नहीं भाई, अच्छा क्यों नहीं की आपको ये बताना, क्यों नहीं की, इशू ये है नहीं ना, आपको लग रही है ना कि नहीं, मतलब भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश है कि आपने क्या बात किया, नहीं मेरी सुन ले या तू बोल ले, तू बोल ले, मैं बाद में रिकॉर्ड कर ले, आज तुम प्लीज सुना दो, क्या सुनाना मतलब ये तू बन क्या रही है, सुना दो इंग्लिश क्रीपी अभी वो निकालना अंदर से ये इसको इसको कोई बंदा कर सकता है स्टॉक, कोई भी नहीं कर सकता, कहेगा यह जी कुड़ी बंदा डरता नहीं, कहता यार नहीं इन्हू नहीं चेने सट हो जाना भाई, लव यू, तूने जो पहाड़ सर पे उठाया ना, लव यू, मैं सारे लड़कों को कहूँगा कि भाई आपको सल्यूट पेश करें, किस तोपों की सलामी है भाई, आपने इन लड़कियों आपकी तरफ भाई, इन लड़कियों आपने इन लड़कियों के मुंह पे जो अखलाकी किया ना, अखलाकी तौबा तौबा, लेकिन हाँ बिल्कुल आई अप्रिशिएट इट, आपको साथ सलाम, लाल सलाम, इक्कीस तोपों के सलाम, नहीं मतलब ये क्या है, ये नहीं ये ये तंज कर रही हो ना, ये तंज कर, नहीं तंज कर रही हो तुम लोगों को, ये भी मसला, मतलब छह लड़कियां क्या लगी थी। आज का टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।